Rafi Sahab, Janab Satnarayan Sahab, Deputy Commissioner, Police Sahab, Janab Babu Rao Sahab. मैं की तारीफ और उसके माने ही बदल दिए गए सतनारायण साहब की जो सरगर्मियां हैं उससे ये महसूस होता है कि जिंदगी के हर शोबे में पुलिस अगर चाहे आवाम को सुधारने के लिए काम कर सकती है हालांकि ये मैटर उनकी ड्यूटी में शामिल नहीं है सतनारायण साहब की जो कोशिश है बाबूराव साहब की जो ख्वाहिश है वो यकीनन तेलंगाना स्टेट के हर आवाम की हर नौजवान की हर माँ की हर बाप की हर भाई की हर बहन की यही ख्वाहिश रहेगी कि इसी तरीके के लोगों का गुजर बसर हो और इसी तरीके का माहौल हो भाई प्यार प्यार मोहब्बत का माहौल हो भाईचारगी का माहौल हो मैं आपको एक वाक्या याद दिलाता हूँ कमिश्नर साहब को भी कि हमारे याकूतपुरा असेंबली हलके में भवानी नगर में घर में आग लगी सुबह 5 बजे रात को मोहल्ले के नौजवान आग बुझाने के लिए पहुंचे पानी डाल रहे थे नाइट ड्यूटी पे जो पुलिस के कांस्टेबल थे सत्यनारायण रवि और हमीद 3 आदमी थे मोहल्ले के 2 नौजवान थे उसमें वो घर जल गया तो दरवाजे पूरे बंद थे दरवाजे खुलने के काबिल नहीं थे और एक कमरे में 2 फैमिली के लोग धुएं में गट के घुट के बेहोश हो गए थे वो पुलिस के जवानों ने छत पे चढ़ के टीना निकाल के अंदर उतर के वो धुएं में वो जवान का भी दम घुट गया लेकिन उसके बावजूद भी 14 या 13 आदमियों को वहां से जिंदा निकाले वो लोग जिसको दवाखाने उस्मानिया में और नीलोफर हॉस्पिटल में शरीक किया गया और एक खातून खुर्शीद बेगम जो उसमें बच नहीं सकी बिचारी वो दम घुटते हुए उसको ऑक्सीजन पे रखे थे 24 घंटे के बाद उनका इंतकाल हुआ और एक बिस्मिल्ला भी थे वो भी बहुत सीरियस थे एक रात तो मैं जब जाके देखा तो वेंटिलेटर पे इतना सीरियस कि डॉक्टर भी जवाब दे दिए थे लेकिन अल्लाह का करम हुआ बिस्मिल्ला बीपी रूपे से हुए पूरे बच्चे दवाखाना से सही सलामत आज घर में पहुंचे जो अपनी जान की परवाह करके लोगों की जान बचाते हैं इंसानियत की बुनियाद पर और यह काम सिर्फ पुलिस का ही नहीं बल्कि आवाम का भी है कोई भी मुसीबत में हो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी जान की हिफाजत करना यह सबसे बड़ा कारनामा है और सबसे बड़ी बहादुरी है तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं खुसूसन अब जो वीडियो क्लिप्स बताए हैं हमारे नौजवानों को यकीनन उनको कंट्रोल करने की जरूरत है यह फिल्मों का शौक देखकर नए नए जानलेवा रिहर्सल करके अपनी जिंदगी को जाय करना ये कोई दानिशमंदी की बात नहीं है माँ बाप खुश होते हैं बच्चा मोटरसाइकिल निकला फिर रहा होगा लेकिन अचानक बुरी खबर आती है तो माँ बाप के ऊपर सदमा तारी हो जाता है बच्चों को कंट्रोल कीजिए और इन तमाम चीज़ों के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है हर चीज़ की चोरी हो सकती है ये 2 चीज़ की चोरी नहीं होती कोई भी चोर आज तक पैदा नहीं हुआ ये चोरी करने के लिए वो 2 चीज़ है इल्म और हुनर एक इंसान को जब इल्म मिल जाता है तो उसको मरे दम तक वो इल्म उसके साथ रहता है कोई उसको चुरा नहीं सकता और कोई ट्रेनिंग करके हुनर हासिल करता है तो हुनर भी उसके पास रहता है कोई उसको हुनर से जुदा नहीं कर सकता बातों पर सिर्फ एक माँ बाप की खिदमत के लिए बताए यकीनन जिसके माँ बाप बकैदे हयात है वो बड़े खुश नसीब है माँ बाप और माँ की दुआ में अल्लाह ने ऐसी ताकत रखी कि बड़े से बड़ा तूफान टल जाता है औलाद के लिए जब माँ दुआ करती है तो बहुत बड़ी नेमत है आपके पास नमाज रोज़ा हज ज़कात अपनी जगह है लेकिन माँ बाप जिसके पास है वो बड़ी बड़ी नेमत है उनकी खिदमत करो आगे बढ़ो तरक्की करो दीन और दुनिया दोनों को संवारो वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना वो करीम ही जो ठहरे तो करम का क्या ठिकाना शुक्रिया खुदा जी फरमा आली जनाब महेंद्र रेड्डी साहब कमिश्नर सिटी पुलिस इज्जत माब जनाब अहमद पाशा खादरी साहब रुकने असम्बली हल्के 4 मीनार
जनाब सतनारायण साहब डीसीपी साउथ जोन, जनाब उमर जलील साहब और हमारे एमडी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, नौजवान साथियों, बच्चों, मेरी इज्जतदार बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कमिश्नर साहब को और डीसीपी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि जो बिलखुसूस साउथ जोन के अंदर और हैदराबाद के अंदर जो पुलिस का इमेज जो लोगों के दिमाग में था उसको आपने चेंज कर दिया। जो पुलिस का नाम सुनकर जो लोगों के दिमाग में जो पुलिस का तासुर था उसको डीसीपी साउथ जोन साहब जिस तरीके से अवाम के अंदर, अवाम के मसाइल के अंदर गुल मिलकर काम कराते हैं, मैं महेंद्र रेड्डी साहब को मुबारकबाद देता हूं। इसका क्रेडिट तमाम महेंद्र रेड्डी साहब को जाता है। और साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए जो स्कीमात है, जो कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम हैं, ना सिर्फ हमारे बच्चों में और उनके वालदेन में अवेयरनेस ला रहे हैं। मैं वाजे तौर पर मैं और सही बात कह रहा हूं कि सिर्फ ये पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से सत्यनारायण साहब की कोशिश और पुलिस डिपार्टमेंट की कोशिश, सबसे पहले हमारे बच्चों में डिसिप्लिन आना ज़रूरी है। जिंदगी के अंदर अगर कुछ करना है तो डिसिप्लिन है तो सब चीज़ काम में आएगी, हर गाइडेंस काम में आएगा। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ज़रूरी है डिसिप्लिन के लिए कि सुबह फजर में उठें और रात में ईशा के फौरी बाद 9 बजे से पहले बच्चे सो जाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास ये देखने में आ रहा है कि मेरी इज्जतदार बहनों से गुजारिश है कि बायकॉट करिए वो दावतों का जो 10 बजे 11 बजे रात के बाद शुरू होती है। आज हैदराबाद का माहौल, पुराने शहर का माहौल, रात में 11 बजे आप जाइए, 10:30 को जाइए, दूल्हा मौजूद नहीं, शादी नहीं हो रही है। तो हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी जिंदगी के उसूल के अंदर अगर हमको वाकई कुछ करना है तो आपको सबसे पहले अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाना होगा। मैं मेरी जानिब से आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भी हमेशा जिद्दोजहद करती आई है। आज कई स्कूल्स हैं जिसके अंदर फ्री तालीम दी जा रही है, हुकूमत की जानिब से भी कई स्कूल की तामीर की जा रही है, कई स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि मेरी बहनों को, बच्चियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलाकर आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं आप तमाम का फिर एक बार शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। The parents of the children, all the young children and friends, the distinguished guests, ladies and gentlemen, ये आज ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं ये साउथ जोन में इधर आके इतने नौजवानों से मिलने के लिए मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी मिला है। ये माइनॉरिटी कॉरपोरेशंस के, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और साउथ जोन पुलिस, ये तेलंगाना स्टेट फॉर्म होने के बाद अब बिलवेड चीफ मिनिस्टर साहब ये हैदराबाद सिटी पुलिस को एक पीपल फ्रेंडली पुलिस बनने के लिए, ये हमारे पुलिस जो भी करते हैं ये पब्लिक का वेलफेयर में, पब्लिक की भलाई में, पब्लिक का गुड, सभी काम 24/7 हमारे एक्टिविटीज़ पब्लिक की भलाई की तरफ से रहने के लिए, ये चीफ मिनिस्टर साहब के आदेशानुसार हमारे डीसीपी साउथ जोन और बाबू राव एडिशनल डीसीपी साउथ जोन, ये दोनों मिलके हैदराबाद ओल्ड सिटी एरिया पूरा नया सिटी बनाने के लिए, इधर पूरा 360 डिग्रीज का डेवलपमेंट, सभी स्टेक होल्डर्स का डेवलपमेंट करने के लिए 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम कैरियर काउंसलिंग बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आप सभी को मालूम है हमारे लिए स्कूल में केवल एजुकेशन मिलता है, लेकिन 10th क्लास पढ़ने के बाद क्या करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसा मिल सकते हैं, हमारे लिए उतना फोकस नहीं रहता स्कूल्स पे।
सिमिलरली इंटरमीडिएट होने के बाद भी हमारे लिए मालूम ना होता क्या एग्जाम्स होता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में।